नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। अब इंदौर में कांग्रेस के पास क्या बचा है विकल्प? बीजेपी उम्मीदवार की होगी निर्विरोध जीत। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले कांग्रेस को इंदौर में भी करारा झटका लगा है। बता दें कि इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय बम ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। इस घटना के बाद अब भाजपा के उम्मीदवार शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी नहीं बचा है। बम ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले इंदौर में आज एक बड़ा एवं अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आया है। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय बम ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। इसके बाद से अब भाजपा के उम्मीदवार शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी नहीं बचा है। अब इंदौर में कांग्रेस के पास क्या बचा है विकल्प? बीजेपी उम्मीदवार की होगी निर्विरोध जीत। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले कांग्रेस को इंदौर में भी करारा झटका लगा है। बता दें कि इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय बम ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। इस घटना के बाद अब भाजपा के उम्मीदवार शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी नहीं बचा है। बम ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।